वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी मारियन। होप्स हो कि आप सब भी फर्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो है जी ऑरेंज पील पाउडर पे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऑरेंज पील पाउडर। और ये जो हम बनाएंगे ऑरेंज पील पाउडर, इसको आप 1 ईयर तक भी रखेंगे, स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक, नेक्स्ट विंटर्स आने तक आप इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ख़राब नहीं होगा, ना इसका कलर ख़राब होगा। इतना ये इसके आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और ऑरेंज पील पाउडर, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बेतहाशा रेमेडीज़ में यूज़ होता है, हमारे कलर को ब्राइट करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। और मुझे याद है कि मैंने जो है किसी रेमेडी में यूज़ करना था ऑरेंज पील पाउडर, समर सीज़न था तो मैंने मार्केट से बाई कर लिया। ट्रस्ट मी, जब मैंने बाय किया तो मैं उसका कलर देख के जो है वो सरप्राइज्ड हो गई कि इतना डार्क कलर था उसका, बिल्कुल ब्राउन से कलर का था। और यकीन माने कि उस जब मैंने वो देखा, मेरा ये दिल ही नहीं माना कि मैं उस ऑरेंज पील पाउडर को यूज़ करूं। लेकिन ये जो ऑरेंज पील पाउडर हम बनाएंगे, मींस ये कि ऑरेंज का कलर जो मैंने मार्केट से बाय किया बहुत ही डार्कर शेड का था। आई डोंट नो उन्होंने उसके अंदर क्या मिक्स किया हुआ था, क्या उसके अंदर था, वो प्योर था भी या नहीं था। लेकिन जो आज हम बनाएंगे नेचुरल तरीके से, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे और नेचुरल होगा, और आपको उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत ही बेस्ट मिलेंगे, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका कलर खराब होगा। और चलिए देखते हैं कि इस ऑरेंज पील पाउडर को हमने कैसे बनाना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, उससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं जी ऑरेंज पील्स, जिनको तकरीबन मैंने 1 हफ़्ता मुझे लगा इनको सुखाने में, और इनको मैंने धूप में सुखाया है। सुखाने से पहले मैंने इन छिलकों को धो लिया था ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने इनको धूप में सुखा लिया, और ये बिल्कुल अच्छे से आपने सुखाने। अगर आपके थोड़े से भी, मतलब आप कह लें कि ठीक से ड्राई नहीं होंगे, तो आपका पाउडर ठीक से ग्राइंड नहीं होगा, ठीक से नहीं बनेगा, ख़राब भी हो सकता है। आपने इनको अच्छे से सुखा लेना ताकि ये सूख के पापड़ बन जाए, आपका पाउडर उतना ही अच्छा बनेगा जितने ही अच्छे से ड्राई होंगे। और इनको मैंने छोटा छोटा कर लिया ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। उसके बाद मैंने इनको जो है, वैसे तो मैंने धो के ड्राई की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इसको धूप में ड्राई किया है तो हाइजीन का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने इसको अपने फेस और बॉडी पे यूज़ करना, तो मैं रुमाल में इनको साफ़ कर रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी डस्ट रह गई है तो वो साफ़ हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएँ। और अब इनको मैं जो है वो ग्राइंडर में डालकर, जो है मिक्सी में जिस तरह से जो है वो डाल रही हूँ, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड होने के बाद मेरे पास आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका पाउडर, ये देखें जी। लेकिन जी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये पाउडर जो हमें चाहिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट, और इसको अब इस तरह से हम छान लेंगे, और छानने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ये पाउडर हमें चाहिए, इतना बारीक होना चाहिए। और इस तरह से हम इसको जो है वो छान लेंगे, और ये देख सकते हैं छानने के बाद फ़ाइन पाउडर जो है वो हमारे पास आ रहा है नीचे छानने के बाद। और जो बाकी बच जाएगा इसको दोबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे, और इस तरह ग्राइंड करने के बाद दोबारा से हम इसको छान लेंगे और पाउडर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसका कलर आप देखें कितना प्यारा सा और लाइट ऑरेंज कलर आया, जबकि मार्केट का आप अगर बाय करें तो वो एग्जैक्ट ये कलर अगर मिल भी जाए, वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन मिल भी जाए तो हमें नहीं पता कि वो कितना प्योर है। लेकिन ये आप ख़ुद बना रहे हैं तो आपको पता है कि ये कितना प्योर है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और आप इस तरह से प्योर ऑरेंज पील पाउडर के फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ुद बना के इसको आप स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक, 1 ईयर तक ये आपके पास पड़ा रहेगा, नेक्स्ट विंटर आने तक ख़राब नहीं होगा। और अगर आप अपने कलर की वजह से परेशान हैं, आपका कलर डार्क है, या आपका कोई भी बॉडी पार्ट जिसका कलर डार्क है आप उसको ब्राइट करना चाहते हैं, तो फिर आप आज से ही इस ऑरेंज पील पाउडर का यूज़ जो है वो इस्तेमाल करना, जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप इसको दही में मिक्स करके ऑरेंज पील पाउडर को यूज़ करें, आपका कलर ब्राइट होगा। अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर वहाँ भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके कलर को ये ब्राइट करेगा। कुछ ही दिनों के यूज़ से आपको एक वाज़ह डिफरेंस फील होगा अपने कलर में। ये विटामिन सी से रिच होता है, इसलिए इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, दाग धब्बों को दूर करता है, इवन टोन करता है स्किन अगर आपकी डिसकलरेशन हो गई है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके बेतहाशा फ़ायदे और बेतहाशा रेमेडीज़ इससे बनती हैं, आपकी हाँ कलर की एजिंग की, आपकी पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयाँ, कुछ भी जो भी आपका मसला, तमाम मसलों का हल है ये ऑरेंज पील पाउडर।
ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। और ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे पाउडर आ चुका है, फाइन पाउडर है ये, बिल्कुल पे छानने के बाद आ चुका है। इसको हम जो है वो शिफ्ट कर लेंगे, किसी भी आपके पास कोई भी कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर, उसमें आप इसको डाल दें और इसको रख दें, आराम से स्टोर कर लें, जितना मर्ज़ी लंबा अर्सा स्टोर करें। यहाँ पर जो कुछ जो है वो मैंने बचा लिया था, ये स्क्रबिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। ये जो थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हैं छानने के बाद मेरे पास रह गया था, इसको मैंने दोबारा से ग्राइंड नहीं किया, इसको मैंने रख लिया कि इसे स्क्रबिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आपकी गर्दन आपको लगता है कि उसका कलर डार्क है या कोनियों पर, तो आप इसको अप्लाई करें, इसे स्क्रबिंग करें, आपके कलर जो है वो उससे ब्राइट होगा। तो ये जो पाउडर है इसको मैं जो है वो अब शिफ्ट कर रही हूँ, मेरे पास ये एम्प्टी कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर लूँगी और इसको मैं रख दूँगी। और अब इसको जो है इंशाल्लाह आपके साथ मैं इसकी बहुत सी आगे जो है वो रेमेडीज़ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त ऑरेंज पील पाउडर हमारे पास तैयार हो चुका है। हाँ जी, तो ऑरेंज पील पाउडर बनाने का तरीका तो आपने देख लिया। आप इसको इस तरीके से बना के स्टोर करें, आपका ऑरेंज पील पाउडर आप 1 ईयर तक, 1 साल तक आप इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख लें आप, ख़राब नहीं होगा और इसके रिजल्ट्स भी आपको जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। ऑरेंज पील पाउडर जो कि विटामिन सी से जो है वो रिच होता है, भरपूर होता है, विटामिन सी जो कि हमारी बेतहाशा क्रीम्स में, सीरम्स में और बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ होता है। ये एंटी एजिंग भी होता है, ये हमारी स्किन के कलर को ब्राइट करने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, और हमारे मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं आपको बताने बैठूँ विटामिन सी के फ़ायदे तो मुझे एक पूरी वीडियो चाहिए इसको बताने के लिए, इतनी डिटेल वीडियो मुझे चाहिए। बहरहाल इसकी इंशाल्लाह मैं आपसे ऑरेंज पील पाउडर की जो है वो आपसे कलर को ब्राइट करने की, सीरम्स की, क्रीम्स की इंशाल्लाह आपसे जो है वो रेसिपीज में इसकी रेमेडीज़ जो है वो शेयर करूंगी। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ऑरेंज पील पाउडर बनाने का तरीका जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इस तरीके से इसको बना के स्टोर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। होप सो कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर